राजा भोज उज्जैन दे विच होया है। उस संस्कृति का बड़ा पंडित विद्वान सी, उदे पास काफ़ी गुणी ज्ञानी रेंदे सन जिन्हां दी कि बड़ी कदर करदा सीगा। और जिहड़ा उहनां दा सारयां दा कमांडर सीगा राज प्रहोत जी नूं कहिंदे सीगे, उस अगे उहने सवाल कीता कि पंडित जी ऐसा केड़ा पाप है, ऐसी केड़ी दलदल है जिहदे विच इंसान फस के निकलदा नहीं गा, जरा प्यार ना मैनू बता देवे तो मैनू ये जिहड़ा प्रश्न है काफ़ी परेशान करता है। तो राजे प्रोत ने सुनिया, काफ़ी सबूत दिते, लेकिन राजे की तसली ना हुई। वो एक दिन बाहर जंगल दे विच गया, ख्याल आया कि शायद अकांत दे विच जाके ये सुज आ जाए। उत्थे एक संतां दा सत्संगी भेड़ा चारदा सीगा आपकी किरत करन वास्ते। उन्हें उस बंदे नूं देखिया राज प्रोहत नूं कि जी तुसी उदास क्यों हो, की गल है। उन्हें आपका प्रश्न दसिया कि राजे ने मैनूं कहा सीगा कि ये तू दस देवें तो मूँह मंगया नाम मिलेगा कि वो कि दलदल है, वो किहड़ा पाप है जिहदे विच इंसान वड़ के निकल नहीं सकदा गा। राजां दे ख्याल हुंदे है हो सकदा मैनू भारी सज़ा दे देवे। वो कहण लग्या ये तो मामूली गल है, मैं तेरे सवाल का जवाब अभी अभी दे देना है, पर थोड़ी जी गल है, तैनू पता ही है किसी तो गुण ग्रहण करिए उहदी बात नू मनना बड़ा जरूरी है, अधीनगी मननी। वो कहण लगे तैनू पता है जो चेले बनते हैं वो गुण प्राप्त करने वास्ते ही बनते हैं, तैनू मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, पर थोड़ी जी औकड़ है कि मैं तैनू भेड़ का दुध देऊंगा क्योंकि मैं भेड़ा रखदा हैं, बस ये पी लेंगा तो तू मेरा शिष्य हो जाएगा, मैं तैनू दस दूँ फौरन। थानू पता है कि लालच जिहड़ा है वो बुरी बला है। पहला तो पंडित कहण लग्या कि किस तरह हो सकता है, मैं उच्ची जाति का पंडित हैं, भेड़ नूं तां असीं हाथ लाउणा ही पाप समझदे हैं। वो कहण लग्या फिर मैं तैनू जवाब नहीं दिंदा गा, क्यों गुण देवां, और मन तुहानू पता है वकील दी तरह अंदरों सब कुछ दसदा है। वो कहण लग्या चल तुसी सवाल का जवाब तो पुछो, प्रायश्चित कर लांगे। फिर कहिंदा लियाओ जी भेड़ का दुध मैं पी लैना है। वो कहण लगा नहीं वह वेला ही सीगा, हुण तां मैं दुध पी के जूठा करके फिर आपदे कुत्ते अगे रखूँगा, वो भी जूठा करेगा, और मानस की खोपड़ी विच भी मैं रखूँगा। वो कहिंदा जी ये किस तरह हो सकता है, ये तो बहुत ही अपवित्र हो गई। वो कहण लगा फिर तू आपदे घर नूं जा, मेरे कोल की लोड़ है पुछण दी, मन तुहानू पता ही है, अंदरों समझा दिंदा है। कहिंदा की हर्ज है, चलो प्रायश्चित करना है इकट्ठा ही कर लांगे, गुण पुछो क्योंकि मतलब इंसान तो बहुत खुश करा दिंदा है। जद सब कुछ करनू तैयार हो गया, अजाली ने उन्हूं की ऐसा करके देना सीगा, उन्हूं कहिंदा देख प्यारिया तेरी समझ दे विच आ गई, सब तो बड़ा पाप और दलदल यही है कि जिहदे विच इंसान वड़िया निकलदा नहीं वो लोभ है, लोभ दी खातर बंदा की नहीं करदा गा। इन उज्जैन देयर वाज अ किंग कॉल्ड किंग भोज एंड ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड इन हिज कोर्ट ही हैड मेनी ग्रेट लर्नड स्कॉलर्स। वंस इट सो हैपेंड दैट अ क्वेश्चन केम इनटू द माइंड ऑफ किंग भोज एंड ही वांटेड टू नो इट्स आंसर। द क्वेश्चन वाज दैट व्हिच इज द सिन और व्हाट इज द सिन व्हिच इज लाइक अ स्वैम्प, and if a person gets into that sin or into that swamp he cannot come out. So he asked his people about that sin or about that swamp, but nobody was able to reply. There was one very learned person in his court, and he was kind of the chief, the commander of all the other learned scholars. When he was asked, he was also confused, even though he tried his best to satisfy the king, but still he was not able to convince the king with his answer. So the king told him
that I want this answer to my satisfaction as soon as possible, otherwise you will have to face severe punishment. So that person, that chief, he became very worried, and once when he went outside, he saw a shepherd, and the shepherd also saw him, and when he saw that this person is very worried, he asked him that why he was so worried. He replied that I am worried because my king has asked me this question and I do not know the answer, even though I have tried my best, but still the king is not convinced, and if I do not satisfy him, it is possible, because you know that the kings have their own laws, so it is possible that he may kill me, he may punish me, or whatever he wants he can do with me, so I am worried of that. That shepherd said, well, it is very simple question and I have the answer of that question. Now that chief wanted to know the answer, he said, well, why don't you tell me what is the answer so that I can go and tell my king, and in that way I could get released. He said, well, I can give you the answer, but you know that if you want someone to do something for you, you have to pay him, and if you want to gain knowledge from me, because it is a question of knowledge, and if you want to gain knowledge from me, you have to become my disciple, and if you want to become my disciple, you will have to do what I tell you to do. So that chief said that, okay, I am ready to become your disciple, even though he belonged to a very high caste and shepherd was just a person of a low caste, but because he wanted the answer, so he said, well, okay, I am ready to become your disciple. But the shepherd said, well, no, it is not that easy. In order to become my disciple, what you have to do is, you will have to drink this milk of sheep, because I rear the sheep, and this is the only thing I have, and you will have to drink the milk of sheep. Now, that chief replied that, you know that I belong to a very high caste, and we people don't even like to touch the sheep, so what to talk about drinking the milk of the sheep, it is very bad, and it will spoil and ruin my religion, and how is it possible for me to drink the milk of sheep? So the shepherd replied that, okay, it is up to you. If you don't want to become my disciple, if you don't want to get the answer to your question, then you may not drink the milk. So that chief later on realized that it was a mistake which he has done. In his mind he thought, well, maybe after drinking the milk, if I feel that my religion has been spoiled, I will do some repentance. So he said, okay, I am ready to drink the milk. But the shepherd said, well, that was my condition only at that time, but now the time has passed, so that condition is no more valid. He said, well, now if you want to become my disciple, and if you want to gain the knowledge from me, get the answer of your question, what you will have to do is, you will have to drink the milk of the sheep, which I will contaminate, I will drink first, and leave some for my dog, and the dog will also drink, and the rest you will have to drink, and the condition is that I will not put that milk in any ordinary bowl or cup, I will put it in the skull, in a human skull. Now that chief said, well, that is too much. How it is possible for me to drink your contaminated and then dog contaminated, and also you want to put it in the human skull? He said, well, this is the condition, if you want, you can have it. So then the chief thought in his mind, well, since I'm going to do the repentance, I will do it for everything. So he drank that milk, and then he asked for the answer to that question. So the shepherd did not have any long explanations to give him. He said, well, dear one, you did not understand. The answer of your question was right with you. It is very simple. Greed is that sin, or greed is that swamp. If a person gets stuck into it, he cannot get out. Because you are greedy, you had this sin of greed. That is why, whatever conditions I put in front of you, you agreed to it. And this is the answer to your question, that greed is the only thing. If you get into it, you can never come out. बाबा जी ने पंजाबी और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन हुई है उसको हिंदी में कहने की कोशिश करूंगा। बाबा जी ने जो कहानी बताई उसके अनुसार राजा भोज उज्जैन में संस्कृत के एक बहुत बड़े पंडित थे। उनके पास कई गुणी ज्ञानी लोग रहते थे और वो उनकी बहुत कदर करते थे। राजा भोज के सबसे बड़े जो बहुत बड़े जो पंडित थे, जैसे उनको राजपुरोहित कहते थे, उनके आगे एक बार सवाल किया कि पंडित जी, ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा दलदल है जिसमें फंसकर इंसान निकल नहीं सकता। उस पुरोहित ने उनको बहुत सारे जवाब दिए लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हुई।
और वो जवाब देने के लिए उसने बहुत सोचा, लेकिन वो एकांत में जंगल में चला गया। वहां जाके उसने देखा कि एक चरवाहा है वहां पे, और बातचीत करने से पता चला कि वो संतों का सत्संगी है, किसी महान गुरु का नाम लेवा है, और वो अपनी आजीविका कमाने के लिए भेड़े चरा रहा है। उसने देखा कि उसके पास चला गया कि क्या बात है प्रभु जी, आप इतने उदास क्यों हो, क्या बात हो गई। प्रभु जी ने अपना जो सवाल था उनके आगे रखा कि राजा ने मुझसे पूछा कि ऐसा कौन सा दलदल है जिसमें फंस के इंसान निकल नहीं सकता। चरवाहे ने कहा कि ऐसी ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन पुरोहित को डर लग रहा था कि अगर मैं जवाब सही नहीं दे पाया तो राजा मुझे दंड देगा, अगर मैंने जवाब सही दिया तो मुझे बहुत सारा इनाम भी मिल सकेगा। तो उसने चरवाहे से अपना सवाल बता दिया कि ऐसा कौन सा दलदल है जिसमें फंस के इंसान निकल नहीं सकता। तो चरवाहे ने जवाब देने, सीधा जवाब देने की बजाय उन पे सवाल किया कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, और शिष्य बनने का असूल है कि मैं जो भी आपसे कहूं आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और मैं आपको प्रसाद दूंगा, प्रसाद के रूप में आपको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। तो पुरोहित के लिए बहुत बड़ी बात है कि राजपुरोहित होके और वो भेड़ को हाथ नहीं लगाते, और उसका दूध पीना तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब उसको सवाल का जवाब तो चाहिए था, मौत का भी डर था राजा से। तो उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं, आप मुझे भेड़ का दूध दे दीजिए, मैं पी लूंगा। पुरोहित को चरवाहे ने कहा जी वो बात तो खत्म हो गई, अब तो आपको नया नई बात माननी पड़ेगी, मैं भेड़ का दूध पीऊंगा और उसके बाद में वो दूध मैं अपने कुत्ते को भी दूंगा, कुत्ता भी उसमें से दूध पिएगा, और मैं आपको दूध किसी बर्तन में से नहीं दूंगा, मैं एक मानव की आदमी की खोपड़ी में डाल के दूंगा जो कि आपको पीना पड़ेगा। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पुरोहित ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भेड़ का दूध पी रहा हूं इतना ही काफी है, आप समझो इस बात को कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो चरवाहे ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। अब उसके लिए जवाब बहुत जरूरी था, तो उसने कहा ठीक है, आप दूध भेड़ का पी के कुत्ते को भी दे के उसके बाद में मुझे मानव खोपड़ी में डाल के दे दीजिए, मैं पी लूंगा। हालांकि चरवाहा महान गुरुओं का सेवक था, वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन पुरोहित को समझाने के लिए कि जो लोभ है वो सबसे बड़ा दलदल है, उसने कहा कि पुरोहित जी आपको बात समझ आई कि आप लोभ में कितने नीचे गिरने के लिए तैयार हो। आपने अपने मन में सोच लिया कि कोई बात नहीं, यहां कौन सा देख रहा, मैं पश्चाताप घर जाके कर लूंगा, या यहीं पश्चाताप करके अपना जो मैंने ऐसा काम करूंगा उसका पश्चाताप कर लूंगा परमात्मा से। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपका जो दीन धर्म है वो आप उसके लिए मौत को स्वीकार करने की बजाय आपने बुरा काम करना सोच लिया, क्योंकि लोभ की वजह से ही कि अगर मैं सही जवाब राजा को दूंगा तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा और मेरी वाह वाह होगी। इसलिए बाबा जी ने इस कहानी के जरिए यही कहने की कोशिश की है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, वो लोभ में गिर के कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे महान गुरुओं के जो सेवक सत्संगी हैं वो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो गुरु का दिया हुआ नाम को दांव पे लगा के कुछ ऐसा गलत काम करने की सोचे, लोभ में जाएं या और किसी भी तरीके का कर्म करें। हम सत्संगियों को चाहिए इस कहानी के माध्यम से जो बाबा जी ने कहने की कोशिश की है, हालांकि बाबा जी हमेशा कहा करते रहे कि कहानी एक सिर्फ कहने
कहने के लिए होती, समझाने के लिए नहीं, क्योंकि मकसद उसके पीछे संतों का, अपने सेवकों को हमेशा सचेत करने का रहता है कि आप कोई भी ऐसा बुरा कर्म ना करें और अपने गुरु का दिया और नाम या अपने गुरु को एक साइड में रखें। मैं अक्सर जब भी कभी ऐसे बात होती है तो कहा करता हूँ, या जो मेरा तजर्बा कह सकता हूँ, कि हम चाहे कितना भी अहंकार कर ले कि हम बहुत बड़े सत्संगी, हमें बहुत साल हो गए नाम मिले हुए, हम तो बाबा जी के बहुत करीब रहे हुए हैं, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन थोड़ी सी भी तकलीफ जब हमें आती है दुनियावी तौर पे, हमारा भरोसा टूटा की टूटा ही रहता है, हम कभी भी गुरु से अपना भरोसा तोड़ देते हैं। गुरु का भरोसा आप मान के चलिए, जैसे मुझे समझ आई है कि हमारे जो घरों में लाइट आती है, ट्रांसफार्मर पे छोटा से एरिया में एक फ्यूज लगा होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन उसमें ताकत बहुत होती है, वो पतली सी तार मोटी मोटी तारों में से करंट पास करके हमारे घरों में करंट बिजली पहुंचाती है, लेकिन अगर वो फ्यूज उड़ जाता है तो हम सबके घरों में लाइट चली जाती है। भरोसा उस फ्यूज की तरह है, इसलिए अपना भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहने से गुरु पे भरोसा नहीं रहेगा। हमने अक्सर देखा होगा, हम सबके साथ भी बीतती है, कि थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले सिमरन ही छोड़ देते हैं, हम गुरु पे भरोसा ही छोड़ देते हैं और गुरु से शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं कि मैं इतना दुखी हूं या मेरी ये प्रॉब्लम है, बाबा जी इसका सोल्यूशन क्यों नहीं देते। लेकिन कभी हमने अपनी तरफ झांक के नहीं देखा कि हम सिमरन करते हैं, हम गुरु के अनुसार चलते हैं, इसलिए उस भरोसे रूपी फ्यूज को हमेशा सही रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने गुरु के अनुसार उनका दिया हुआ भजन सिमरन करें। जो मैं रोजाना सुबह शाम आप सबको याद दिलवाता हूं कि चलते फिरते सिमरन जरूर करें। ये कहानियां बाबा जी ने सत्संगों में बहुत कहने की कोशिश की है और हमें समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में, थोड़े दिनों में ही, हम ये कहानियां रोजाना जो बाबा जी की जीवनी के बारे में, बाबा जी की जीवनी है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। अभी उम्मीद करते हैं कि जो प्रेमी सेवा में लगे हुए मुझे जल्दी देंगे और हम रोज 10 मिनट की वो कहानियां जो बाबा जी की जीवनी है उसको कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि अपना भरोसा जरूर बनाए रखें जिंदगी में। बाबा जी हमेशा कहते रहे हैं, दुख सुख गरीबी बीमारी ये सब चीजें हमारे साथ आई हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन गुरु मुनासिब मदद हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। बाबा जी का वायदा है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को छोड़ते नहीं है, लेकिन उसने सफाई करके ही ले जाना है। वो गुरु भी नहीं चाहते कि उनका सेवक दुखी हो, लेकिन कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं और वो अगर देखा जाए तो बाद में ऐसे लगता है कि हम ऐसे ही अपने गुरु पे भरोसा छोड़ा, बात तो कुछ नहीं। इसलिए दुनियावी समस्याओं से घिरे हुए अपने गुरु के भरोसे का दामन हमेशा थामे रखें और उस भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नित्य नियम से भजन सिमरण करें और चलते फिरते सिमरण जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्य जय। गुड नाइट। थैंक यू।